शेयर बाजार में उतार चढ़ाव का दौर जारी है और ऐसे में बाजार का मिजाज पता लगा पाना काफी मुश्किल हो जाता है और इसी के साथ निवेशकों को एक समस्या हो जाती है, वो ये कि वो कौन से स्टॉक्स पर दाव लगाएं। एक सेक्टर ऐसा है जिसमें गजब की रैली बनती नजर आ रही है और इस सेक्टर के कुछ स्टॉक्स ने तो चीते की छलांग लगाई है। ब्रोकरेज फर्म्स का भी इन स्टॉक्स पर भरोसा बढ़ा है और इसलिए टारगेट प्राइस में उन्होंने भी बड़ा बदलाव किया है। कौन से हैं वो स्टॉक्स जिन्होंने निवेशकों को माला माल कर दिया है, ये सब जानने के लिए आपको ये वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखना होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं विस्तक और मैं हूं श्रेया ठाकुर। इस हफ्ते BDL, BEML, मेजगांव डॉक, GRSE ने गजब की तेजी दिखाई है और डिफेंस सेक्टर के ये स्टॉक्स इस हफ्ते के मिड कैप गिनर्स में शामिल हो गए हैं। BDL ने 31% से ज्यादा की तेजी, वहीं मेजगांव डॉक ने 30% ज्यादा की तेजी, BEML ने लगभग 30% और GRSE ने भी लगभग 24% की तेजी दिखाई है। वहीं हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स ने भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, भारत डायनेमिक्स, डेटा पैटर्न, कोटन शिपयार्ड और मेजगांव डॉक शिप बिल्डर्स में भी अच्छी खासी तेजी देखने को मिली है। HUL में बीते हफ्ते 22% से ज्यादा की तेजी, BEL में लगभग 14%, कोटन शिपयार्ड में लगभग 21% और डाटा पैटर्न में 18% से ज्यादा की इस हफ्ते हमें तेजी देखने को मिली है। इंडिविजुअली स्टॉक पे बात करें तो HUL ने 4744 का नया हाई बनाया है और शनिवार को इंट्राडे ट्रेड के दौरान ये 5% तक उछल गया। पिछले 3 दिनों में इसमें 13% से ज्यादा की तेजी आई है। कंपनी ने अच्छे नतीजे भी दायर किए हैं। कंपनी का मुनाफा 52% बढ़ा है और ब्रोकर्स का क्या मानना है इस पर, उस पर बात कर लेते हैं। तो UBS ने स्टॉक का टारगेट प्राइस 3600 रुपये से बढ़ाकर 5200 रुपये कर दिया है और एनालिस्ट्स का मानना है कि HUL के बेहतर ऑर्डर बुक, स्केल, कम कॉम्पिटिशन्स और निर्यात में ज़्यादा वैकल्पता के कारण ये इजाफा देखने को मिल रहा है। UBS के एनालिस्ट्स ने फिनेंशियल ईयर 2023-27 में HUL की ऑर्डर बुक में 3 गुना वृद्धि और मैन्युफैक्चरिंग टॉप लाइन में 25% का अनुमान लगाया है। एलेरा सिक्योरिटीज के एनालिसिस का क्या मानना है उस पर बात करते हैं। तो विमान और हेलीकॉप्टर इंडस्ट्री में अज्ञात निर्यात अवसरों के साथ साथ स्वदेशीकरण की बढ़ती हिस्सेदारी के कारण दोबारा रेटिंग की आवश्यकता है, ऐसा एलेरा के सिक्योरिटीज के एनालिसिस ने कहा है। और ब्रोकरेज फर्म को फिनेंशियल ईयर 2023-26 के दौरान 17% की कमाई CAGR और फिनेंशियल ईयर 2024-26 के दौरान 24% की रिटर्न ऑन इक्विटीज की उम्मीद है। और इस बीच रक्षा मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने HUL को सबसे बड़ा टेंडर दिया है। टेंडर का आकार 65,000 करोड़ रुपए का होने का अनुमान है। कोटन शिपयार्ड को बीते हफ्ते एक बड़ा ऑर्डर मिला था और ये ऑर्डर हाइपर सर्विस ऑपरेशन वेसल्स के लिए यूरोपियन क्लाइंट से मिला था और इसके बाद कोचिन शिपयार्ड में गजब की तेजी देखने को मिली। ये ऑर्डर कंपनी को 500,000 करोड़ रुपए की रेंज पे मिला था, जिसके बाद कोचिन शिपयार्ड उस दिन 12% तक उछला। कुल मिलाकर भारत को आत्मनिर्भर बनाने के पहले रक्षा कंपनियों के लिए विकास और विस्तार के बहुत सारे अवसर खोले हैं। कोस्टल शिपिंग या इनलैंड वाटरवेव स्पेस के साथ साथ देश में जहाज मरम्मत क्लस्टर विकसित करने पर सरकार का जोर है और जहाज निर्माण कंपनियों के लिए अच्छा संकेत है। यही सब कारण है कि डिफेंस सेक्टर दहाड़ रहा है। ये खबर हमने आपके जानकारी के लिए पेश की है। भारतीय बाजार में कोई भी निवेश से पहले अपने सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेना ना भूलें। आपको जानकारी कैसी लगी कॉमेंट कर जरूर बताएं, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें बिस्तक। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के यूट्यूब चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।